नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है जालौन से। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार सोनकर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार एक बेटे को उसकी कर्म की सजा मिली है। दरअसल 2019 में जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र के पुराना आलमगीर में एक बेटे ने अपनी माँ की सिलबट्टे से कुचल कर निर्ममतम हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को घर में ही जो है खोद कर गाड़ दिया। हालांकि उसके रिश्तेदारों द्वारा जब पुलिस को सूचना दी गई थी तो पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को बाहर निकाला गया था और निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज उस पर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस पर सजा सुनाई है। हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 15,000 रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। यानी 2019 से लेकर 2023 महज 4 साल में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उस बेटे को यानी उस हत्यारे बेटे को उसके कर्मों की सजा सुनाई है। कालपी थाना अंतर्गत एक ग्राम है पुरैना आलमगीर, वहाँ पर माँ और बेटा दो ही व्यक्ति परिवार में थे, एक साथ रहते थे। आर्थिक बोझा माँ को समझकर पुत्र ने माँ की हत्या कर दी घर के सिलबट्टे से और माँ खोद कर उनके शव को जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर शव को रिकवर किया। ये वर्ष 2019 का मामला है और वर्तमान में ये FTC जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की का न्यायालय है उसमें मोहम्मद कमर साहब पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने इसमें सजा सुनाई है। जीवन के सपनों को करे साकार, बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाए उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी, उन्नाव बालाजी मार्ग झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन ले। भोजला मंडी के पास उन्नाव बालाजी मार्ग, ग्राम आरी, झांसी। शिक्षा, संस्कार, समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627।